साल से आज भी मार्केट में फाइट कर रहे हैं और आज भी मार्केट के ट्रेंड नहीं है, और ये बच्चों ने आज से 5 साल 10 साल पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आज ये मार्केट के ट्रेंड है। मैं समझाता हूँ कैसे, द रीजन बिहाइंड व्हाई इट हैपेंस, कि वो आज भी मार्केट में बिजनेस फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और आज ये मार्केट के ट्रेंड क्यों बन गए। आई जस्ट गिव यू माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ माई ओन स्टडी, और वो ये है, द रीजन वॉज कस्टमर, द रीजन ऑफ यूजर। अब इस बात का ऑब्जर्वेशन समझना, अगर आपको टाटा इंडिका नहीं समझ में आई तो आप मारुति पे स्विच कर जाते हो शायद साल भर के अंदर। अगर आपको रिलायंस कम्युनिकेशन का सिम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं अच्छा लगा, कोई प्लान समझ नहीं आया, तो आप आइडिया में शिफ्ट कर जाते हो शायद महीने भर के अंदर। अगर आपको बिरला सीमेंट नहीं मिला तो आप ACC अंबुजा भी लेने में प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात को गौर सुनना। अब मेरा सवाल, अमित जी कितने साल से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आप? राकेश जी फेसबुक कब से यूज कर रहे हैं आप? 5 साल। कमल जी आप गूगल कब से यूज कर रहे हैं? 10 साल। उन तीनों के बारे में बताया ना, इन तीनों के बारे में भी सुनो। 2 साल से व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, क्या पूरे ग्लोबल मार्केट में सिर्फ व्हाट्सएप ही अवेलेबल है क्या फोटो शेयर करने के लिए? नहीं, 6,636 सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक यूज कर रहे हैं आप, और ऐसी 6,636 सर्च इंजन भी है, आप गूगल 10 साल से क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आपके और मेरे लिए ये मार्केट का ट्रेंड है। और अब बताता हूँ और अच्छे से गहराई समझो, उस इंडस्ट्री के 6 लोगों को आज भी मार्केट में फाइट करना पड़ता है बिकॉज उनका यूजर उनको साल भर में, महीने भर में, हफ्ते भर में, डे में और शायद 1 घंटे में भी बदल सकता है। मगर ये जो लोगों ने अपनी शुरुआत की 10-10 साल से, एक बंदा आज भी गूगल पे चिपका हुआ है, 5 साल से फेसबुक पे चिपके हुए हैं, पिछले 2 साल से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा बिरला सीमेंट का नहीं है, मुद्दा ये है मैंने अगर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लिया और XYZ इंस्टॉल कर भी लिया तो फायदा क्या, क्योंकि बाकी तो व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। मैंने अगर कहीं और पे सर्च करना शुरू किया तो फायदा क्या, क्योंकि मेरी इंडियन गवर्नमेंट पूरा जितना भी जो सब अपडेट्स है वो तो गूगल पे मेरे को डाल देता है, और मैं अगर फेसबुक यूज करना बंद कर दूं कहीं और फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाऊं, लेकिन फायदा क्या, वहां अपने सम्राट भाई कहां है? समझो बात को, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक समझा आपको? सो दिस इज व्हाट अबाउट द मेजर कॉम्पिटिशन बिटवीन अ ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस एंड द ट्रेंड बिजनेस यू टॉक अबाउट। इन लोगों ने क्या किया इस बात को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट उनका मैन्युफैक्चर हुआ है, उस प्रोडक्ट को उसके एंड यूजर के पास पहुंचाने में समय ज्यादा लगा। ये 100 साल क्यों लग गए मल्टी बिलियन डॉलर को टच करने में, उसका कारण समझा रहा हूं। एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को फैक्ट्री से अपने एंड यूजर के पास पहुंचाने में समय लग गया, यही बात थी ना जी। सिम कार्ड से लेकर के, सीमेंट से लेकर के टाटा इंडिका तक की बात कर रहा हूं, एंड यूजर के पास पहुंचाने में समय लग गया। इन धुरंधरों ने क्या किया, सिंपल लॉजिक बनाया, तुम जहां मर्जी मैन्युफैक्चरिंग करो, तुम चाहे जिसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड यूजर के पास 24 घंटे पहुंचने की सर्विस मैं बना लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो माय फर्स्ट टेक अवे, आज के सेशन का पहला टेक अवे यही है कि अपने दिमाग में एक चीज तो फिट कर लो। पहले हम सीखते थे नौकरी नहीं करना, बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस ये 100 साल वाला करना है कि 10 साल वाला, ये आपका आज का निर्णय होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतने साल से तो हमने यही समझा कि भाई साहब नौकरी करने से फायदा नहीं, बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करेंगे, तो कौन सा वाला, ये 150 साल वाला। और अब आपको समझाते हैं कुछ और पैरामीटर्स।